देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एक जनवरी मतलब नया साल, और नए साल के दिन पूरे विश्व भर में लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो लोगों के बीच हम जाएंगे और जानेंगे कि आखिर नए साल के लिए वो क्या तैयारियां किए हैं, और इसी सब बातों के साथ 2021 का कुछ ऐसा लम्हा जो वो हर साल याद रखेंगे। अच्छा, नए साल को कैसे मना रहे हैं आप? अभी तो शुरू करे हैं नए साल सर, और कुछ क्या तैयारियां हो चुकी हैं नए साल को? बहुत बढ़िया तैयारियां हो चुकी हैं इस समय। तो घर वालों के साथ मनाएंगे या दोस्तों के साथ? नहीं, घर वालों के साथ मनाएंगे भाई। और आप? हाँ, हम भी घर वालों के साथ मनाएंगे। अच्छा, आप 2022 पे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे, थोड़ा अच्छे से रहें, हर आदमी से मेल बांट रखें, लड़ाई झगड़ा मत करें, अच्छे से रहें, बस यही मेरा संदेश। हाँ, हमारे भी यही राय है, मिलजुल के रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, 2022 का कोई ऐसा लम्हा बताइए, 2021 का ऐसा कोई लम्हा बताइए जो आप जीवन भर याद रखेंगे। भाई हम तो ये कोरोना वाला याद रखेंगे, बाकी तो कुछ है नहीं, समझे? कोरोना वाला है, बाकी कुछ मालूम नहीं भाई, समझे? हाँ भाई, वही कोरोना और नोटबंदी, ये हमेशा याद रहेंगे सभी को। सर आप अपने नाम बता दें। हमारा नाम हेमंत पांडे है। सर आप इस बार नए साल को कैसे मना रहे हैं? नए साल को कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज मूवी देखने का प्लान बनाए हैं, और बस थोड़ा मोड़ा करके, क्योंकि कोरोना को भी ध्यान में रखना है, इसलिए सेलिब्रेशन भी लिमिटेड रखना है। अच्छा, अभी ये बताएं कि आप इस बार फैमिली के साथ मनाएंगे या दोस्तों के साथ? नहीं, फैमिली के ही साथ, क्योंकि ज़्यादा मॉब करना सही नहीं है। अच्छा। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। जी मैम, आप अपना नाम बता दें। वंदना पांडे। मैम, ऐसा कोई लम्हा 2021 का जो आप जीवन भर याद रखें, ऐसा कोई लम्हा हो तो शेयर करें। अब लम्हे की बात है तो 2021 ऐसा रहा, क्योंकि कोरोना ने तो बहुतों का बहुत कुछ छीना, लेकिन ये भी है कि इसकी वजह से परिवार एक साथ रह भी रहा है। जहां लोग बाहर ज़्यादा निकलते थे, वहां फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन इस कोरोना ने थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुझे टाइम दिया अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने में। और 2022 में लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? यही संदेश है कि जैसे आज का जो दौर चल रहा है, थोड़ा सा समय बुरा है, लेकिन हम अगर कोशिश करें तो इस बदलते समय में जो दौर खराब है उसमें खुद को भी और दूसरों को भी एक बेहतर इन्वायरमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम जागरूक हैं तभी हम दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। और कोरोना की वजह से इंसानों में जो दहशत है, थोड़ा सा खुद को मेंटेन करके अपने आप को सही रखकर हम लोग एक बेहतर दिशा की तरफ प्रयास कर सकते हैं। आप अपने नाम बता दें। अभिज्ञान पांडे। अभिज्ञान, हमें ये बताएं क्या क्या तैयारियां हो चुकी है नए साल को लेकर? नए साल को केक काटने की, सबको विश करने की। अच्छा, लोगों को आप कैसे विश कर रहे हैं इस बार? मैं सबको विश करूंगा ऐसे फोन करके, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर फोन करके कहेंगे। अनुज मौर्य। अच्छा अनुज, हमें ये बताएं जी कि नया साल आ चुका है जी, 2021 कैसा बीता आपका? ठीक बीता, बट थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ इसे सिखाई भी, कोरोना आया वहाँ पे कैसे सरवाइव करना है, वो भी नेक्स्ट कोरोना से ही पता चल गया था कैसे क्या सरवाइव करना है, तो बहुत कुछ सीखा। और कुछ जो ऐसी बातें थी मतलब कैसे जिया जाए, कैसे क्या, थोड़ा सा लाइफ इंस्पायर हुआ कुछ चीज़ों को लेकर के, बाकी जैसा काम को में कैसे एफर्ट करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ कैसे लेनी है। नए साल को कैसे मना रहे हैं आप? नए साल ऐसे आज देखो शाम को प्लान बनाया है दोस्तों ने, देखो तो दोस्तों के साथ जा रहे हैं या घर वालों के साथ? वैसे तो मोस्टली मैं न्यू ईयर दोस्तों के साथ ही बनाता हूँ, नाइट आउट पार्टीज होती हैं, लेकिन देखेंगे अगर पब वब नहीं होगा तो घर में ही ऐसा कुछ माहौल। तो इस बार तो नाइट कर्फ्यू है, तो इस बार तो घर पे नहीं कर्फ्यू है। हम आपको यही सलाह देंगे आप घर से मनाएं। घर से तो मनाएंगे, घर ही मनाएंगे, और हमारा बहुत बड़ा फार्म हाउस है तो वहीं पे हम लोग सारे दोस्त लोग पार्टी करेंगे। अच्छा ये बताएं, ऐसा कोई लम्हा जो 2021 का जो आप जीवन भर याद रखें, कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लाई हो या कुछ ऐसा आया हो? हाँ आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि घर ही परिवार में कुछ सारी चीज़ें हुई हैं तो उनसे कुछ सीखने को मिला, बाकी जो है
कल एक हमारे भैया थे, उनका बर्थडे था, उनको सेलिब्रेट किया तो वहाँ एक लम्हा अच्छा रहा। तो ये सारी चीज़ें, कल का दिन बहुत अच्छा, खूब सारी शॉपिंग जी। कि नए साल पे आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे जी। हमें ये बताएं कि 2021 बीत गया और 2022 आ चुका है जी। तो 2021 कैसा बीता है आपका? ठीक ठाक ही गया है, बट इतना अच्छा नहीं गया है, बट जाते हैं 2022 ज्यादा अच्छा जाए हम लोगों का। 2022 अच्छा जाए जी। अच्छा, हमें ये बताएं कोई ऐसा लम्हा 2021 का जो आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो किसी जगह से हो। फर्स्ट मेरी जो जॉब लगी थी उसी के बारे में याद है मुझे। अच्छा, ये साल आपका कैसा रहा? ठीक ठाक ही गया है, बट इतना अच्छा नहीं गया है। कितना अच्छा नहीं गया? बिल्कुल नहीं अच्छा गया है। तो नए साल पे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि सब लोग सही रहे, सेफ रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा ओमिक्रोन कोरोना वायरस सब चल रहा है। तो चाहती हूँ कि सब लोग अपना सेफ रहें और मास्क लगाए रहें, सैनिटाइज करें अपने आप को। बस ये बताएं कि 2022 आ चुका है, हाँ। 2021 कैसा रहा आपका? ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन ठीक भी रहा, इतना बेकार भी नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब छूट गए कोरोना वायरस के चक्कर में, इस वजह से इतना अच्छा नहीं रहा हम लोग का 2021। 2022 पे आप लोगों को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि सब लोग ओमिक्रॉन से बचें और कोरोना वायरस से बचें, बी सेफ, सब लोग अच्छे से रहें। और कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं न्यू ईयर को आप? बस फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में बस। कुछ ऐसी चीज़ें जो 2021 की जो आप जीवन भर याद रखेंगी? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारी हमने मतलब मस्ती किया, और ईयर पास आउट भी हुआ हम लोगों का, यही सब बहुत अच्छी। शुक्रिया। नया साल आ चुका है, नए साल को आप कैसे मना रहे हैं? अभी तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, आए हैं घूमने थोड़ा बहुत, तो अब देखें। हाँ, अच्छा, हमें ये बताएं नए साल पे आप घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं? घर वालों के साथ ही अभी कर रहे हैं। हाँ, अभी तो घर वालों के साथ ही कर रहे हैं, आए हैं घर वालों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि 2021 का कोई ऐसा लम्हा जो आप जीवन भर याद रखें? वैसे तो 2021 में बहुत कुछ हुआ, वैसे कोविड को लोग बहुत याद रख रहे हैं अभी भी। खैर, 2022 ही पता नहीं है कि ख़त्म होगा कि नहीं होगा, पर यही है कि उसकी वजह से पूरा साल गया है। अच्छा, 2022 पे आप लोगों को क्या संदेश देंगे? बस यही है कि फिर से लोग प्रिकॉशन रखें अगले 2-3 महीना, जिस तरीके से ओमिक्रॉन आ गया, और जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो तो सब चीज़ें सुधरें, यही चाहते हैं। नया साल आ चुका है, नए साल को कैसे आप मना रहे हैं? नया साल है, आखिरी साल है, मतलब आखिरी दिन है नया साल का, तो वही हम लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वैसे भी कोरोना के चक्कर में पूरा साल तो चला ही गया, सोचे आखिरी दिन थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अभी तो मूवी भी देखने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं घूमने टहलने। अच्छा, ये बताएं 2021 का कुछ ऐसा लम्हा जो आपको जीवन भर याद रहे? यही है, कोरोना के चक्कर में हम लोग ने काफ़ी सफ़र किया, और बस आगे होप यही है कि आगे चल के ये चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो और हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएँ। लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? लोगों के लिए अभी तो यही संदेश देंगे कि वापस से कोरोना बढ़ रहा है, नया वेरिएंट आया है, तो लोग प्रोटेक्शन बरतें और मास्क वास्क लगा के खुद को सेफ रखें, साथ में साथ अपने बगल वालों को भी सेफ, और देश को जल्दी जल्दी इस दुविधा से बाहर निकालें। नया साल आ चुका है, कैसे मना रहे हैं नया साल को आप? हम लोग बहुत ही अच्छे इंजॉयफुल से मनाने वाले हैं, हम लोग थोड़ा पार्क वगैरह घूमेंगे, हम लोग का कॉलेज का एक्चुअली छुट्टी हो गया, उसमें अभी कॉलेज से ही हम लोग आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा पार्क में घूमेंगे और इधर उधर मॉल वगैरह हम लोग जाएंगे। दोस्तों के साथ मना रहे हैं या घर वालों के साथ? एक्चुअली हम घर वालों के साथ मनाना चाहते हैं, कि दोस्तों के साथ इसलिए नहीं मनाना चाहते, दोस्त बाहर से भी लाएंगे, अदर से बीमारियां आएंगी, बीमारियां इस समय चाहे देख रहे हैं कि कितनी चल रही है, बताया जा रहा है कि तीसरी सुनामी लहर का आने का भी प्रयास चल रहा है, इस वजह से हम बेटर रहेगा कि अपनी फैमिली के साथ मनाएं, कुछ दोस्तों के साथ सिर्फ ओनली फोन से शेयर करेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि 2021 आपके लिए कुछ खास ऐसा लम्हा हो जिसको आप जीवन भर याद रखेंगे? थोड़ा मोड़ा तो उतना नहीं हम लोग बोल सकते हैं, मगर फिर भी हाँ, उसमें थोड़ा अभी कोरोना के कारण से थोड़ा कोरोना का वेव थोड़ा कम हुआ था उसमें 2021 में, तो इसी कारण से हमने 2021 में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। ये सबसे अच्छा हम लोग मतलब इंजॉयफुल रहा कि हम लोग अपना स्टडी पे आ गए, ठीक है, उसी कारण से हम लोग ऐसे, अब देखिए हम लोग का पढ़ाई अभी चल रहा है, स्टडी हो रही है, अब देखिए अब आगे भगवान के गौर से यही मनाएंगे कि हम लोग का मतलब थर्ड वेव ना हो कोरोना का, और हम लोग आगे अपना लाइफ में कुछ आगे कुछ गोल फोकस पे कर सकें हम लोग। अच्छा, हमें ये बताएं 2021 में ऐसी कुछ गलतियां जिसे आप छोड़ के 2022 में नहीं करें?
सबसे ज़्यादा तो मैं ये अपनी गलतियों को करना चाहेंगे, जितने भी मैंने इस कोविड के टाइम पे गलतियाँ की हैं, जैसे विदाउट मास्क के कहीं ऐसे सोशल प्लेस पे गए हैं कि मास्क का मैंने यूज ही नहीं किया है, आके अपने दोस्तों के साथ कमरे में शेयर किया, जिससे मैं एक दो बार मेरे फ्रेंड काफ़ी बीमार हुए हैं, ये काफ़ी लोहिया में भर्ती रहे कोविड की वजह से, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ, काफ़ी इनकी सेहत में भी हेल्थ आए, लेकिन मैं 2022 में इस गलती का अफसोस करूँगा, मैं ऐसे कभी पॉइंट को बाहर लेके ना निकलूँ। आप क्या बदलाव लाएंगे 2022 में? हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग अपने आप से बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि अभी कोरोना का केस बढ़ रहा है। एक लाइफ इंजॉय कीजिए, एक अपना थोड़ा प्रोटेक्शन रखिए अपना, कि हमेशा बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकलें, थोड़ा दूरी बना कर रखें, हल्का मॉल वगैरह में जाएं या कहीं पार्क वगैरह में जाएं तो हमेशा मास्क पहने, क्योंकि ये अभी ये ऐसा बीमारी पड़ा हुआ है कि अभी कुछ साल में ये जाने वाली नहीं है। यही हम करते हैं कि हम लोग का पढ़ाई भी स्टडी हो, अच्छा से ही हो, क्योंकि जितने लोग अच्छे सुरक्षित से रहेंगे उतने से लड़कन लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, सब पढ़ाई में अपना ध्यान रहेगा, कॉलेज वगैरह बंद नहीं होगी, क्योंकि इतना पढ़ाई से हम लोग का इतना नुकसान हो गया है कि मतलब हम लोग अपना मतलब गोल उस पर फिक्स फोकस नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, उसे हम लोग का जॉब नहीं हो रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, इसी कारण से हम लोग सोच रहे हैं कि अब अच्छा से हो, भगवान गॉड करें कि अच्छा सब हो, कोरोना में काफ़ी कुछ कमी आए और हम लोग आगे बढ़ें। मेरा मेन पर्पज़ यही है कि ये न्यूज़ सभी पे पहुँचाए, शेयरिंग विद केयरिंग, शेयरिंग भी हो। ये बताएं कि आप लोगों को क्या संदेश देंगे 2022 में? लोगों को 22 में हम यही संदेश देंगे, अपने जितना न्यू साल का सेलिब्रेशन करना हो सेलिब्रेट करो, अपनी फैमिली के साथ करो, दोस्तों के साथ करना है तो वर्चुअल मीटिंग पे करो, व्हाट्सअप के जरिए करियो, नहीं तो गूगल ऐप के जरिए करियो, लेकिन बाहर ना जाएं। अब आप ऐसे भी जानते 11 बजे तक कर्फ्यू, उसके बाद लाठियाँ पुलिस की ऑलरेडी लगने वाली हैं। तो मेरा है अनुरोध आप सभी भाई और बहनों से कि आप अपने फ्रेंड के साथ ना जाके फ्रेंड से व्हाट्सअप और घर पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। कैसे बना रही है नए साल को आप इस बार? अभी तो हम लोग एक कैफ़े है वहाँ जा रहे हैं, हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, शाम तक वहीं रहेंगे, फिर रात में मे भी अपने अपने घर पे फैमिली के साथ। आप? अनुष्का, एंड हम लोग साथ में ही रहेंगे, सेम प्लान है। अच्छा, हमें ये बताइए कि इस बार आप दोस्तों के साथ मना रही हैं घर वालों के साथ? दोनों, दिन में हम लोग दोस्तों के साथ हैं बट रात में, क्योंकि ऑब्वियसली 11 से लॉकडाउन है, घर पे रहेंगे। हाँ, हम लोग भी सेम अभी घर ये दोस्तों के साथ बाहर, फिर घर पे। अच्छा, कुछ ऐसा लम्हा बताइए 2021 का जो आप जीवन भर याद रखेंगे? हमारा कॉलेज वाले मोमेंट्स, कॉलेज हमने कॉलेज में हम लोग का कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है तो उसमें हमने बहुत इन्जॉय किया ऑब्वियसली कॉलेज में, तो वही मोमेंट। 2022 में लोगों को क्या संदेश देंगे आप? सेफ रहें, मास्क लगा के रहें, ऑब्वियसली सेफ रहें सब लोग अपने घर, वही सेम कोरोना बढ़ रहा है तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ रहें। तो हमने तमाम लोगों से बात किया, खास तौर पे लोगों का कहना है कि हम इस बार नया साल घर में मना रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक सचेत भावना दिखी, वो है नाइट कर्फ्यू को लेकर। तो हम भी आपसे कहेंगे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, नया साल मुबारक हो। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।